दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट यूजी आंसर की को लेकर लगातार कुछ न कुछ जो है मीडिया रिपोर्ट की वो आर्टिकल निकल कर आ रही है, जिसमें कि यह कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि जो नीट यूजी की आंसर की है वो किसी भी टाइम रिलीज की जा सकती है। और कई चैनल ने तो इस बात को लेकर कंफर्मेशन भी दिया है कि इस डेट को जो है फाइनली एनटीए द्वारा आप सभी की जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएंगी, पर वो सारे डेट यहाँ पर वो फेल हो चुके हैं और ऐसी डेटों का यहाँ पर कोई भी स्पष्ट कोई भी रूप नहीं निकल कर आ पाया। जितनी भी सोर्सेज थे वो लगातार फेल होते जा रही हैं मीडिया की। पर दोस्तों, क्या एनटीए कब आंसर की जारी करेगा और फाइनली और कितना टाइम उम्मीदवारों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट को भी लेकर बात हो रही है, कई जगह पर रीनीट लेकर भी बात हो रही है और लगातार एनटीए की डिले की वजह से उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि जिस तरह से एनटीए के अधिकारियों ने कहा था कि हमें इस सेशन को ट्रैक पर लाना है, तो सेशन को ट्रैक पर लाने के लिए जल्द से जल्द इन सभी की जो है यहाँ पर आंसर की है और साथ ही यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं की जाएगी, तो ये सेशन कैसे ट्रैक पर आएगी। पर दोस्तों, आज फाइनली हमारे चैनल के माध्यम से एनटीए में कॉल किया गया और एनटीए में कॉल करने के बाद उन अधिकारियों का आंसर की को लेकर क्या कहना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और फाइनली वो रिकॉर्डिंग मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। पर दोस्तों, सुन लीजिए उन ऑफिसरों का क्या कहना है आंसर की को लेकर। तो दोस्तों, जो यहाँ पर उन्होंने कॉल पिकअप किया था, उन्होंने यह बोला कि एनटीए द्वारा अभी आंसर की को लेकर हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या इन चीज़ों को लेकर अभी हमारे पास कोई भी ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ रही है कि कार्यालय के अंदर आंसर की पर कोई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पर उन्होंने कहा है कि आप यह एक होप रख सकते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड रख सकते हैं कि जो नीट यूजी की आंसर की है वो इस महीने के एंड तक आने की संभावना जताई जा रही है। पर उन्होंने इस बात को लेकर कंफर्मेशन भी किया है कि ऐसा यहाँ पर समझौता बताई जा रही है। हो सकता है कि कई सारे डाउट हैं जिसको लेकर यहाँ पर एनटीए द्वारा इसकी जो है आंसर की रिलीज़ नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर कई सारे शंकाएँ हैं श्रीगंगानगर में। यहाँ पर रीनीट को लेकर सांसद ने यहाँ पर जो है मनसुख मांडिया से उनकी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने कंफर्मेशन दिया था। लगातार सेकंड डिमांड की मांगें भी उठ रही है और कई उम्मीदवारों को कई ज़्यादा दिक्कतें भी आई थी पेपरों को लेकर, तो उन सारी समस्याओं पर एनटीए की डिस्कशन है वो चल रही है और इसी कारण से जो है फाइनली यहाँ पर जो आंसर की में वो डिले हो रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए निकल कर आएगी आंसर की को लेकर, सबसे पहले आप तभी तक हमारी वीडियो को जरूर शेयर किया जाएगा, आपको यह इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद।